छूट देते हुए। इमरान ने भी बात की हमने किसान कर्जा माफ की बात की थी 30 दिन में उत्तर प्रदेश में हजारों लोग से बात की मीटिंग्स की पदयात्रा की मोदी जी किसान कर्जा माफ नहीं कर पाए। विजय माल्या के 1200 करोड़ रुपए उन्होंने माफ किए। हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवारों के 1,10,000 करोड़ रुपया माफ किया। उनके खिलाफ कुछ नहीं किया मगर पूरे देश के गरीब लोगों को देश के मजदूरों को देश के कारीगरों को जबरदस्त चोट मारी। और फिर कहते हैं भैया मैं मेक इन इंडिया करना चाहता हूं। क्या जो सहारनपुर के कारखानों में हो रहा है जो आप एक्सपोर्ट करते हो बनाते हो क्या ये मेक इन इंडिया नहीं है क्या? यही तो मेक इन इंडिया है और इसी पर आप आक्रमण कर रहे हो। मोदी जी ने कहा कि काले धन वालों पे मैंने आक्रमण किया है पैसा वापस आएगा। 14.5 लाख करोड़ रुपए देश में है पूरा का पूरा पैसा वापस नहीं आएगा। जो काले धन वाले हैं वो अपना पैसा वापस नहीं लाएंगे नहीं देंगे और वो जो पैसा बचेगा वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देगा। पता लगा कि 15 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए। नोटबंदी से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी भाषण देते रहते हैं 15 लाख रुपए दिलवाऊंगा। भैया बताओ किसको यहां 15 लाख रुपए मिला बता दो मुझे। कोई एक व्यक्ति है तो जबरदस्त चोट मारी सबको लाइन में खड़ा कर दिया और फिर कहते हैं ठीक है। उनके नेताओं ने कहा ठीक है गलती हो गई बजट आएगा तो गरीबों का बजट बनेगा।